हेलो दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी जो ट्रे होती है जो हमारे एसी के पीछे लगती है उसके हम मार्क करेंगे। उसको हम दीवार के सेंटर पर रखने के बाद में हम उसको एक किसी मार्कर से या किसी पेंसिल से हम जो है निशान ले लेंगे, जिससे कि हम उसे ड्रिल करें तो आसानी से उसके होल हो जाएं, क्योंकि टॉप लेवल से जो है हम टॉप लेवल से इसे 10 इंची नीचे रखेंगे, जिससे कि लुक भी अच्छा आता है, देखने में इसे भी अच्छी लगती है। वैसे तो अपने अकॉर्डिंग भी इसे रख सकते हैं कि किसी का अगर लिंटर थोड़ा ऊंचा है तो उसके हिसाब से भी हम नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर जो छत की हाइट है वो थोड़ी कम है, इसलिए इसे हम 10 इंच नीचे रखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम इसे मार्क कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं। इसमें हम रबर प्लग लगाएंगे जिससे कि आसानी से हमारा इसमें ड्रिल से सुराग हो जाए और हम स्क्रू अच्छे से कस दें। ये सारे होलों को हमने मार्क कर लिया है, जो जो हमारे होल इसमें काम में आएंगे। दोस्तों हम जो ऐसे हैमर से इसको आसानी से ठोक सकते हैं। ये हमारा रबर प्लग होता है प्लास्टिक का, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे हम आसानी से लगा देंगे। जितने भी हमारे होल हैं सभी होलों में हम रबर प्लग लगाने के बाद में इसकी जो ट्रे है, एसी की बैक ट्रे जो होती है, हम उसे कस देंगे। दोस्तों ये मैंने जो है इसकी ट्रे कसने के लिए स्क्रू ले लिए, अब इसको स्क्रू से अच्छे से कस दूंगा। जो हमने रबर प्लग लगाए थे उन रबर प्लग में हम अच्छे से स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसमें जो है बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एसी गिर सकती है। इसमें अच्छे से टाइट होना चाहिए, जिससे कि हमारी केबल ट्रे अच्छे से रुक जाए। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हम इसका मेजरमेंट लेंगे पाइप को बाहर निकालने के लिए, उस मेजरमेंट के हिसाब से ही हम इसे इसके लिए ड्रिल मशीन से होल करेंगे। जैसे कि हमने मेजरमेंट ले लिया है दोस्तों, अब हम एक पैन से इसको निशान लगा के इसको होल कर लेंगे। दोस्तों एसी के कनेक्शन कैसे जुड़ते हैं, ये हमारा इंडोर हो गया, इंडोर के कनेक्शन हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है आउटडोर के जो कनेक्शन होते हैं वायर वो हम लगा लेंगे। दोस्तों इसके कनेक्शन जो होते हैं कलर कोड के हिसाब से होते हैं। ये कैल्विनेटर का एसी है, काफ़ी अच्छा 1.5 टन का एसी है ये, इसकी कूलिंग भी अच्छी होती है, काफ़ी मज़ेदार कूलिंग करता है। आप घर पर भी आसानी से एसी को लगा सकते हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में हम इसका ये कैप होता है दोस्तों, इसे हम लगा के इसका स्क्रू कस देंगे।
जिससे कि हमारे वायर सारे छुप जाते हैं और पानी जाने का डर नहीं रहता है। इसका वैसे पूरा चार्ट लगा रहता है, चार्ट से भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से कनेक्शन होंगे। बहुत आसानी से आप घर पे लगा सकते हैं एसी, कोई इतना मुश्किल का काम नहीं है। इसको मैंने कस लिया है, इसका ये क्लिप होता है जिससे कि हमारा पाइप कॉपर वायर वाला पाइप जो होता है वो आउटडोर के लिए वो हमारा हिलता नहीं, वो क्लिप को लगा देंगे जिससे कि हमारा एक जगह पे पाइप रुका रहे। जैसे कि ये मैंने क्लिप लगाया, ये क्लिप है दोस्तों, इस क्लिप को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम कॉटन टेप से इसको अच्छे से इंस्टॉलेशन कर देंगे। इस तरीके से हम एसी को उस प्लेट में हैंग कर देंगे, यानी कि हम उसमें फंसा देंगे और उसे लटका देंगे। उसमें ये जो ग्रुप होते हैं दोस्तों उसमें ये फंस जाती है, बड़ा आसानी से लग जाती है। दोस्तों मैंने एक ही वीडियो में आपको पूरा तरीका सिखा दिया है। दोस्तों ये हमारा एसी अब बॉल पर लग चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसी तरीके से आप भी अपने इंडोर को लगा सकते हैं। पहले हमारा इंडोर लगेगा, फिर उसके बाद में आउटडोर के कनेक्शन होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दिखाते हैं किस तरीके से हमारा आउटडोर लगता है। हमारा कॉपर वायर है, इसे जो है बड़ा आसानी से सीधा करेंगे जिससे कि इसके अंदर कहीं भी कोई भी चटक नहीं आए, कहीं से भी बाल नहीं आए जिससे कि हमारी गैस निकल जाए। कहीं से भी अगर ये मुड़ गया तो ये ख़राब हो सकता है। जो मैंने बॉल पर दोस्तों एक होल किया है इसको इंडोर से जोड़ने के लिए, तो उसके हिसाब से हम इस पाइप को आउटडोर में जोड़ लेंगे। दोस्तों इसके अंदर जो गैस है वो R32 है, जो कूलिंग के मामले में बहुत अच्छी होती है। R32 जो है कूलिंग बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी करती है, इसलिए दोस्तों R32 गैस वाला ही एसी खरीदें। किसी जो है गैस नहीं, उससे आप घबराना नहीं दोस्तों। दोस्तों टेप लॉन टेप का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी गैस लीकेज ना हो। टेप लॉन टेप लगा लेते हैं और अच्छे से ज्वाइंट कर देते हैं, दोनों पाइप को आपस में कस देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं चूड़ियों पे टेप लॉन टेप जो है वो लगा रहा हूँ दोस्तों। टेपिंग करने के बाद में हम आउटडोर का कॉपर वाला पाइप इसमें जोड़ देंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि हमारा पाइप जो है एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए और चूड़ियाँ सीधी कसे, जिससे कि गैस निकलने या गैस लीकेज होने का डर ना रहे। हम एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड से कस देंगे जिससे कि हमारा कॉपर वायर कहीं से भी ख़राब ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक साइड से पकड़ लिया है और दूसरी साइड से कस रहा हूँ। ये फाइनली हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी आप रियायत ना करें कसने में, अच्छे से कसें। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पाइप की कैप को हटा देते हैं।
कैप में भी दोस्तों चूड़ियाँ होती है, इसमें भी हम टेपिंग करेंगे टेप्लॉन टेप की, और इसी तरीके से हम दूसरा पाइप भी इसमें जोड़ लेंगे। इस तरीके से हम दूसरा पाइप भी जो है पाइप के फेस टू फेस मिला के और ऊपर से इसकी नट को अच्छे से टाइट कर देंगे, जैसे हमने पिछला वाला पाइप जैसे दोस्तों हमने पहले टाइट किया था एक, और ऐसे दूसरा पाइप भी हम टाइट कर लेंगे। चूड़ियाँ जब सीधी चलेंगी तो हमारा आसानी से कस जाएगा। चूड़ियों में बस जो है टेढ़ा नहीं होना चाहिए, चूड़ी एक दूसरे पर क्रॉस ना करें। नीचे से पकड़ने के बाद हम ऊपर से इसको अच्छे से कस देंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अब एसी लगाना घर बैठे सीख चुके होंगे। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए दोस्तों तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में और भी इंटरेस्ट बढ़े और आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं और अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। फाइनली हमारे दोनों पाइप लग गए हैं दोस्तों। इसके बाद में हम इसका ये फॉर्म वाला दोनों में फॉर्म लगाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हम इस पर टेपिंग कर देंगे। ये हमारे पास ब्लैक कलर का टेप है, आपके पास अगर दूसरे कलर का भी टेप है तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा टेपिंग करने का मकसद है कि आपस में इसका थर्माकोल जो लगा हुआ होता है वो ख़राब ना हो। दोस्तों अब हम जो है आउटडोर में अच्छे से टेपिंग कर लेंगे, क्योंकि इसकी चूड़ियों में जब तक टेप नहीं लगाएंगे ये चूड़ियाँ अच्छे तरीके से कसेंगी नहीं और कहीं भी लीकेज रह सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टेप लगा लिया है। दोनों में टेपिंग कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारे पाइप थे जो हमने इससे पहले पाइप कसे थे वो आउटडोर में कस देंगे। दोस्तों इस तरीके से हम इसे कस लेंगे। दोस्तों ये हमारे जो होते हैं एक कैप होती है, तो हम एलंकी से इसकी थोड़ी सी गैस निकालेंगे जिससे कि इसका प्रेशर हमें पता चले और एयर निकल जाएगी, तो हमारी फाइनली गैस जो है प्रॉपर तरीके से काम करने लगती है। दोस्तों ये मीटर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मीटर लगाने के बाद हम सही तरीके से पता कर पाते हैं कि हमारी गैस लीकेज है या नहीं है, क्योंकि हम मीटर को जब लगाएंगे और उसके एक टारगेट जगह पे हम जब उसे रोकेंगे और उसके बाद में कुछ ही पलों में अगर हमारी गैस निकलती है तो समझ लो हमारी गैस लीकेज है, क्योंकि हमारे मीटर की सुई जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगी, तो गैस हमारी कहीं से लीकेज है वो हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हम इसकी फाइनली टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा वीडियो का लास्ट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमने पूरे तरीके से वीडियो बना दिएगी किस तरीके से एसी घर पे लगाएं। क्योंकि दोस्तों मेरा आज मकसद यही था कि आपको एसी लगाने का तरीका सिखाऊं, वो भी घर पर बड़ा आसानी से, तो इसलिए अब हमारा वीडियो का दोस्तों फाइनल सीन चल रहा है जिससे कि आप अच्छे से समझ लें। अभी मैं मीटर एक लगा के आपको दिखाऊँगा, इसमें हम गैस जब इसमें प्रेशर देंगे गैस का तो ये हमारी सुई जो है वर्किंग करने लगेगी। जैसे कि आप दोस्तों देखा मैंने इसको टाइट किया, टाइट करने के बाद में हमारा मीटर जो है दोस्तों
मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये 80 और 90 के बीच में पहुँचता है, समथिंग ये 88 के समथिंग है दोस्तों। अब यहाँ से हमारा मीटर जो है दोस्तों डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मीटर हमारा 60 70 50 या बिल्कुल नीचे जाता है किसी तरीके से तो हमारी गैस लीकेज है। अगर आप घर पर एसी लगाना चाहते हैं दोस्तों तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि मीटर की सुई जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। हम एक घोल बना लेंगे जिससे कि हमें उसमें अच्छे से झाग मिल जाएंगे और झाग की सहायता से हम इसकी लीकेज को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े धोने का साबुन है या कोई शैम्पू है तो उससे आप आसानी से झाग बना सकते हैं। और इन झागों को हम पाइप पर लगाएंगे और पाइप पर लगाने के बाद में कहीं से भी अगर बुलबुला उठता है, पानी का बुलबुला बनेगा तो हमारी गैस लीकेज है। इस तरीके से मैंने सारे पाइपों पर ये अच्छे से झाग लगा दिए और ये पता कर रहा हूँ कि गैस लीकेज तो नहीं हो रही है कहीं से। अगर गैस लीकेज होगी तो हमारी गैस निकल जाएगी, ऐसे काम नहीं करेगा। और ये फाइनली हमारा टेस्टिंग हो गई है दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है, कहीं से भी गैस लीकेज नहीं है। अब इसमें हम लाइन देने के बाद एसी को चालू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। दोस्तों ये हमारी फाइनली एसी चालू हो गई है। इस तरीके से हमने आज आपको सिखाया एसी लगाना, घर पर भी आप आसानी से एसी लगा सकते हैं। अब मैं इसको सोलर टेम्परेचर पर चलाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर 16 का होगा तभी मज़ा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।